भाजपा अपने आप पे ध्यान दे रही है, करप्शन पे ध्यान दे रही है, अपने लोगों को एडजस्ट करने पे ध्यान दे रही है। बताइए कहाँ है क्या, मतलब अब बात करने के लिए बचा क्या है? इसी स्टेटस उन्होंने खुल के तो दिया नहीं, और हाँ एक बात जरूर है, वहाँ दोनों रैलियों में झूठ अच्छे तरीके से बोला जो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है कि झूठ में बता रहा है कि ये जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन सब सच बोल, ये सच्चाई है कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया, कुल सच्चाई है उनका हाउस अरेस्ट किया। तो कश्मीर को छोड़िए, जम्मू के हालात की मैं कहता हूँ, जम्मू के हालात की बात करो, आपने तो जम्मू में तबाही कर दी है, मकान बनाने में ध्यान दे रही है, 31 करोड़ का जेके बैंक का लोन खत्म खाने के चक्कर में ध्यान दे रही है, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई प्यार नहीं। फार्मर चीफ मिनिस्टर एक लेडी होने के नाते वो क्यों नहीं किसी की शादी में जाए, इनको क्या तंगी है? करप्शन लीगलाइज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लिस्ट अनाउंस कर दी है भी ये करप्शन करो, जो सबसे बड़ा करप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा, इस वक्त हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, और वहीं पर हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से अमित शाह जो है वो 3 दिन दौरे पे आए थे जम्मू कश्मीर के, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने ट्विटर पे अपने सोशल मीडिया पे या ये खबर की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें, इस टॉपिक को भी हम इस टॉपिक के रिलेटेड भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, शुक्रिया, धन्यवाद जी सर। सबसे पहले अमित शाह की बात करेंगे, अमित शाह 3 दिन जम्मू कश्मीर में दौरे पर आए थे, तो क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए थी और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने नहीं उठाया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसे है कि अमित शाह साहब हमारे माननीय होम मंत्री होम मिनिस्टर हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को निराशा ही लगी है। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, जो अर्जेंट मुद्दे थे, उस पर ऊपर बात ही किसी ने नहीं की। आज हमारी जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो 32% से ऊपर जा चुकी है, उसके ऊपर बात नहीं हुई, महंगाई के ऊपर बात नहीं हुई, नौजवान के रोज़गार के ऊपर बात नहीं हुई, जो 5 अगस्त 2019 को हमारा स्पेशल स्टेटस हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, और बड़ी बात है कि पिछले 3 साल से जो 3 लिस्टें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली थी रिक्रूटमेंट की, और आप उसमें देखिए कि 3 लिस्टों को सक्रैप किया गया, चाहे PSI जेके PSI की लिस्ट थी, फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइज़र की लिस्ट थी, या तीसरी फायर एंड एमरजेंसी की लिस्ट थी, और उन सब में कहा गया जी धांधली हुई है, करप्शन हुई है, करप्शन करने वाले लोग कौन है, आप लोग पैसे भी खाते हो और लोगों को करप्शन भी आपने की और लिस्टें आपने सक्रैप कर दी, तो नौजवानों के दुख दर्द को किसने समझा, वो नौजवान कहाँ जाएंगे, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। बात आपने कहा जी पहाड़ी रिजर्वेशन की उन्होंने की है, भाई घोषणाएं तो पहले भी हुई हैं, पहले तो प्राइम मिनिस्टर 2-4 बार अलग अलग प्राइम मिनिस्टर साहब भी आके ये कह चुके हैं, बड़ी देर से हम सुनते हैं, तो अब वो घोषणा करके गए हैं, पता नहीं उसको अमली जामा कितने कब उसको पहनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जनता के पैसे को खर्च करके तो 3 दिन के लिए मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा हुआ है। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि बाकी मुद्दे थे, बाकी मुद्दों पर बातचीत जो थी वो करनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक अहम मुद्दा था, डेली वेजेस का मुद्दा था, 1 लाख आदमी सड़कों पर है, जम्मू की सड़कें जाम है, जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो अपनी हक की बात करते हैं, उनको पुलिस के जरिए पुलिस स्टेशनों में बंद किया गया, बल प्रयोग किया गया, अरेस्ट किए गए, मिलने नहीं दिया गया, उनकी बात ही नहीं हुई, और ये चीज़ें जो हैं कि जो मसले उठाने चाहिए थे, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हुई, महंगाई के ऊपर बात नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर की बात नहीं हुई। आप देखिए जिस दिन अमित शाह साहब आए हैं उसी दिन डीजी प्रिजन लोहिया साहब का कत्ल कर दिया गया, जिस रियासत में डीजी सेफ नहीं है जम्मू जैसे इलाके, मुझे बताइए कहाँ है क्या, मतलब अब बात करने के लिए बचा क्या है? तो ये चीज़ें थी, इनके ऊपर तो बात ही नहीं हुई, इनके ऊपर तो मैंने तो होम मिनिस्टर साहब मुझे उम्मीद थी कि शायद वो उनकी कंडोलेंस ही करते डीजी, उन्होंने वो भी नहीं की। एक डीजी थे हमारे, डीजी प्रिजन थे, जो ये मतलब रात के समय में उनके घर पे उनका कत्ल हो जाता है, तो ये चीजें तो हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि मुद्दों पे बात की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उन मुद्दों पर बात ना करते हुए पहाड़ी को एसटी स्टेटस जो है अनाउंसमेंट कर दी। देखिए ऐसे है कि पहाड़ी को एसटी स्टेटस उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस शर्मा कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करवाया जाएगा, अब एसटी स्टेटस उन्होंने खुल के तो दिया नहीं, और हाँ एक बात जरूर है, वहाँ दोनों रैलियों में झूठ अच्छे तरीके से बोला गया, जो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है कि कैसा झूठ, झूठ मैं बता रहा हूँ आपको कि वो झूठ को बेचने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा झूठ रजौरी में बोला गया जी 5 अगस्त 2019 से पहले 370 से पहले यहाँ शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, सबसे बड़ा झूठ था। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, क्या 2019 के पहले SC के लिए सीटें रिजर्व थी कि नहीं थी? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक अहम बात वहाँ की,
कि हमने पीओके रिफ्यूजियों को वोट का हक दिया। यार क्या झूठा बोल रहे हो, मैं भी पीओके का रिफ्यूजी हूँ, मेरे बुजुर्ग पीओके से आए हैं, पीओके से मुजफ्फराबाद जिले से आए हैं, तहसील माड़ी उड़ी थी, गाँव हमारा कुटली था, तो मुझे तो वोट का हक 2000 से, मेरे बुजुर्गों को भी था, उनके बुजुर्गों को भी था। तो ये झूठ इन्होंने वहाँ पर बोला। और तीसरी बात इन्होंने जो वहाँ पर की है कि हमने जम्मू कश्मीर में नौकरी दी। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौकरियों का आपने साल में वादा किया था, 16 करोड़ नौकरियाँ 8 साल में बनती हैं, आप तो 16 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दे पाए। 5 अगस्त के बाद आज तक आप एक रिक्रूटमेंट नहीं कर सके, जो हुई रिक्रूटमेंट वो आपने कैंसिल कर दी कि हमने वहाँ चोरी हो गई है, आपने करप्शन को लीगलाइज किया। तो ये झूठ है जो लोगों के साथ। और तो बारामूला में उन्होंने कहा कि मैं 70 साल का हिसाब मांगने आया हूँ, इन्होंने बनाया क्या? आप मुझे बताइए कि 70 साल की ये बात करते हैं, जिस स्टेडियम में खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे वो किसने बनाया था? वो दिल्ली से थोड़ी आया था, रातों रात उठा के लाए थे कि वो स्टेडियम है। आप हिसाब, अगर आप पहली सरकारों से हिसाब मांगते हैं तो 2014 में आप भी तो सरकार में शामिल थे, तो भारतीय जनता पार्टी की बराबर की उसकी जिम्मेदार है। तो हमने तो सिर्फ 2 बार सत्ता संभाली, 1 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई, 3 साल कांग्रेस के साथ बनाई, 2 बार हमने सरकार बनाई। तो अगर ये कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो देन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी तो हमारे साथ अलायंस पार्टनर थे, इनके भी लोग थे, तो उस पर भी उनको जवाब देना चाहिए कि अगर हमने गलत किया तो ये चुप क्यों थे वहाँ। तो ये चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर की जनता इनको बलीभांति समझ चुकी है। इस बात पर कितनी सच्चाई है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पे सोशल मीडिया पे ये बताया था कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया है, 4 अक्टूबर वेनेसडे की बात करें तो ये खबर जो है वो सामने आई थी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या उन्हें सच में, क्योंकि पुख्ती करने के बाद पता चला था कि उन्होंने अपने ही जो अंदर का जो गेट है उन पर ही ताला लगाया था, इस बात पर कितनी सच्चाई है, क्या उन्हें सच में हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया? मुझे नहीं पता आपने पुख्ता कहाँ से किया है, लेकिन मैडम महबूबा जी ने उस दिन पटन में हमारे एक वर्कर की शादी थी वहाँ जाना था, तो रात को SP बारामूला का उनको फ़ोन आता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, और सुबह बैंकर जो है उनके घर के बाहर लगा दिया जाता है। जब उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेशनल न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ बनी, तो दोपहर के बाद उनको वहाँ से वो जो बैंकर है वो उतार दिया गया। आप मुझे बताइए, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने कश्मीर में सब ठीक कर दिया, तो एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लीडर, फार्मर चीफ मिनिस्टर आपकी फार्मर लाई है, उनको बाहर जाने के लिए तंगी क्यों आपको? ये हम डेमोक्रेसी सेटअप में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज, ख्यालात की जंग है जमहूरियत। तो आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन सब सच बोलती है? अगर वहाँ पर ये तो है नहीं था ना कि महबूबा जी ने खुद से बंकर वहाँ ला के लगा दिए, पुलिस ने बंकर लगाया है और SP ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर वो झूठ कह रहे हैं तो इंक्वायरी कर लो। तो ये सबको पता है कि महबूबा जी को हमेशा हाउस अरेस्ट किया जाता है, शायद उनको कोई डर लगा। यानी कि ये सच्चाई है कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया? बिल्कुल सच्चाई है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उसकी फोटो जब वायरल हुई, जब किरकिरी हुई पूरे नेशनल मीडिया पे, तो फिर दोपहर के बाद उनको उनका हाउस अरेस्ट जो है तोड़ा गया, खोला गया। तो उन्होंने कहाँ जाना था, शादी सुबह हो चुकी थी, जहाँ उन्होंने जाना था, तो ये बिल्कुल सच्चाई है, हाउस अरेस्ट किया गया था। वहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अमित शाह के लिए कि होम मिनिस्टर को आज़ादी है घूमने की, और वहीं पर मुझे जो है हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाती है, मात्र नारी शक्ति की बात करती है, मातृशक्ति की बात करती है, तो दूसरी तरफ से एक लेडी, अगर होम मिनिस्टर साहब रैली कर सकते हैं जाके, तो फार्मर चीफ मिनिस्टर एक लेडी होने के नाते वो क्यों नहीं किसी की शादी में जाए? इनको क्या तंगी है उनकी, मुझे आप बताइए उन्होंने क्या करना था? मुझे बताइए, आप रैली कीजिए अपनी, जो आप अपने काम आए वो अपना काम कीजिए, आप हमारे भी होम मिनिस्टर हैं, मुफ्ती साहब के होम मिनिस्टर, मेरे भी होम मिनिस्टर, आपके भी हैं। तो ये एक बात है कि अगर होम मिनिस्टर साहब रैली कर सकते हैं तो महबूबा मुफ्ती जी वहाँ पर नहीं जा सकते। और जो दूसरी बात यह है कि जो ये नारे देते हैं लोगों को, मातृशक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, ये है इनका नारी सम्मान, ये है इनकी नारी शक्ति के ऊपर बात? किस, ये इनके तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितने के चेहरे हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, हमें समय नजर ही नहीं आते। तो ये चीजें जो हैं इनके सामने आ रही हैं कि इनका झूठ खुद ही पकड़ा जा रहा है। इससे पहले भी उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया था, क्या लगता है आपको कि कारण क्या हो सकता है कि अमित शाह की रैली थी तब उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया, इससे पहले भी उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया, तो क्या लगता है आपको कारण क्या हो सकता है? वो चाहते नहीं है कि PDP के सदर जो है वो लोगों के साथ मिले, क्योंकि लोग उनको बुलाते हैं। जब राहुल भट्ट साहब की हत्या हुई तो वो वहाँ उनके कंडोलेंस पे जाना चाहते थे, तब उनको नज़रबंद कर दिया गया। वो अनंतनाग जाना चाहते थे तब नज़रबंद कर दिया गया, शुपियां जाना चाहते थे तब नज़रबंद। तो ये काम बात हो गई है, एक तरफ से ये कहते हैं नॉर्मल सी है कश्मीर में, उन्हें लाठी कर दी, दूसरी तरफ से फार्मर चीफ मिनिस्टर को नज़रबंद करते हैं। तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, ये पकड़ दकड़, इससे पहले 14 महीने उनको इलीगल रेस्ट रखा, इलीगल PSA लगा के उनको डिटेन करके रखा। तो ये मैं कहता हूँ कि जमहूरियत का कत्ल जम्मू कश्मीर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है।
कश्मीर की बात करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कश्मीर के हालात कितने ठीक हैं कितने नहीं? लगता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर जो है वो बदला है? देखिए, मुझे नहीं पता कश्मीर बदला कि नहीं बदला, लेकिन जम्मू के हालात आपके सामने हैं। उधमपुर में दो ब्लास्ट होते हैं, उधमपुर में दो ब्लास्ट होते हैं जम्मू जैसे इलाके, उधमपुर में दो ब्लास्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि बम ब्लास्ट इधर हो रहे हैं, डीजी का दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है उनके घर पे। तो कश्मीर को छोड़िए, जम्मू के हालात की मैं कहता हूँ, जम्मू के हालात की बात करो, आपने तो जम्मू में तबाही कर दी है। तो मुझे लगता नहीं है कश्मीर के हालातों की, मैं जम्मू के हालातों में उनसे पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर जरा आप बयान दे दें कि ये क्या हालात है। क्या लगता है आपको कि कब भाजपा जो है वो जम्मू के हालातों में कब ध्यान देगी? और भाजपा अपने आप पे ध्यान दे रही है, करप्शन पे ध्यान दे रही है, अपने लोगों को एडजस्ट करने पे ध्यान दे रही है, नगरोटे में मकान बनाने में ध्यान दे रही है, 31 करोड़ का जेके बैंक का लोन खत्म खाने के चक्कर में ध्यान दे रही है। इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई प्यार नहीं। करप्शन लीगलाइज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लिस्ट अनाउंस कर दी है भी ये करप्शन करो। जो सबसे बड़ा करप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, ये मैं नहीं कहता, ये इतिहासकार है, सभी लोगों से बात करके आप देख लीजिए। जी, ये हमारे साथ इस वक्त सोनू जी थे। और वहीं पर बात करें कि जिस तरीके से वो अमित शाह की बात करें, होम मिनिस्टर अमित शाह जो 3 दिन के दौरे पर यहाँ पर आए थे, और सबका यही कहना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो नम्रता जी, उनकी बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी उस मुद्दे पर बात नहीं हुई। और वहीं पर सोनू जी का भी यही कहना है कि बहुत अहम मुद्दे ऐसे थे जिन पर बात करना चाहिए था लेकिन उन पर बात नहीं की। और वहीं पर बात करें हाउस ऑफ अरेस्ट महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने कहा था ट्विटर पे साफ तौर पर, सोशल मीडिया पे साफ तौर पर ये बताया था कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट किया गया। और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि सच्चाई की बात करें तो सच्चाई ये है कि उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट जो है किया गया, ऐसा सोनू जी का कहना है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।